विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की तेज भक्ति अहंकार को विलीन करने के लिए है, जो इच्छाओं से भरा हुआ है उसी व्यक्ति को खत्म करने के लिए है। अंध भक्ति से हम ऊपर उठेंगे। या तो लोगों के पास अंध श्रद्धा है या मंद श्रद्धा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं, सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए, हर जीव हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाए क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है, उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है, केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत ऐसा अंत
जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर, ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं, जो जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें।
प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें, अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अपने ही दुखों को याद करके रो रहा है, तो जब आंसू शुद्ध होने लगेंगे, दिव्य भक्ति तेज भक्ति शुरू होगी, तब पता चलेगा कि ये तेज भक्ति अहंकार को विलीन करने के लिए है। जो इच्छाओं से भरा हुआ है उसी व्यक्ति को खत्म करने के लिए है। अंधभक्ति से हम ऊपर उठेंगे। या तो लोगों के पास अंधश्रद्धा है या मंद श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है या मंद श्रद्धा है। मंद है यानी जो श्रद्धा उच्च लेवल तक पहुंचनी चाहिए कि पानी 100 डिग्री तक गर्म होता है तो बाफ बनता है, उसके पहले नहीं। तो तेज विश्वास तेज प्रेम उस हाइट तक पहुँचे उसके लिए शुरुआत हो गई। फिर से बच्चा बनना अब आपको समझ में आएगा। फिर से उसी अवस्था में बड़े होकर फिर बच्चे बने, तोतली भाषा में बात करना नहीं है, बच्चे बने यानी उस अनुभव के आधार पर बच्चे बन गए। तो फिर सेल्फ इंक्वायरी होगी, जब भी आए टू उठेगा तो सेल्फ इंक्वायरी होगी कि भाई ये कौन बोल रहा है, मैं मुझे तकलीफ है, किसको तकलीफ है। तो आप सेल्फ इंक्वायरी करते हो, तुरंत विचारों को हवाई की तरह देखते हो आसमान में। हवाई ऊपर उठी तो विचार ऊपर उठा, अरे बहुत बोर हो रहा है, तो फिर तुरंत क्या विचार आता है, आप अगर सेल्फ इंक्वायरी जानते तो कौन बोर हो रहा है, अरे मैं बोर हो रहा, मैं कौन। जब जवाब आएगा मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन है, पहले वो तो बताओ। तो तुरंत लगाओ निकल जाएगा, चिपकाओ निकल जाएगा। विचारों से जो लड़ना होता था वो लड़ना बंद हो जाएगा, वरना लड़ते रहते ना, ये विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए ऐसे विचार। मगर क्या बताया यार, तुम उसके साथ चिपक रहे हो इसलिए दुख है। दिवाली में पटाखों के साथ चिपक जाओगे, हाथ में जलाओगे तो तकलीफ होने वाली है। अगर डिसआइडेंटिफाई होकर जलाओगे यानी विचारों को कैसे देखोगे, अलग होकर देखोगे तो उसका आनंद लोगे। यानी आकाश में विचार उठा कि मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसा लिखकर आ गया आसमान में, आपने हवाई जलाई और आसमान में लिखकर आ गया मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप खुश होने वाले ना, अरे वाह क्या फुलझड़ी है कि मुझे कुछ नहीं समझता। अलग है तो खुशी होगी, अगर उसके साथ मैं का भाव जोड़ दिया तो बहुत दुख होने वाला है। सिर्फ देखना सीखना है, देखने की कला ही अध्यात्म है। विचारों को कैसे देखे, मन को कैसे देखे, बुद्धि का इस्तेमाल विवेक करके कैसे इस्तेमाल करें, बुद्धि कैसे इस्तेमाल हो, कैसे तेज स्थान पर जाएं, तो इस तरह गलत सही में फर्क समझना आपको आ जाएगा, डिसआइडेंटिफाई होना आ जाएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे, विचारों को अलग से देख पाएंगे, उनका आनंद ले पाओगे। और आपको कौन सी कला मिलेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ऐसी कला जिसमें प्रॉब्लम डिसॉल्व करके सॉल्व करते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।